अयोध्या में इस वक्त हमारी मौजूदगी राम जन्मभूमि कार्यशाला में है। मेरे बगल में जो पत्थर देखेंगे, ये पत्थर वही पत्थर हैं जो राम मंदिर में लगाए जा रहे हैं। इन पत्थरों के लिए नक्काशी की जाती है, जिस पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग आयताकार में अलग डिजाइन दी गई है और आकृति बनाई गई है। आकृति फूल की आकृति है जो बहुत दिव्य और भव्य दिखाई पड़ रही है, और इसको जब रंगाई छटाई की जाती है, चीजें की जाती है। यहाँ पे एक लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कब से कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से कार्य होते हैं? हमारा 1 साल ऊपर हो गया है काम। ये तो एक पत्थर बनाने में कितना समय लग जाता है? सफाई कर रहे हैं 1 महीना लग जाता 1 महीना लग जाता है। है। हाँ आपने इसके पहले जो पत्थर बनाए हैं वो पत्थर अभी तक राम मंदिर में स्थापित हुए हो गए हैं हुए सारे, हैं? यहाँ से ही गए हैं सारे पत्थर, ये बहुत सारे थे सभी चले गए तो ये पत्थर हैं। कैसे काटते हैं आप लोग, जिस तरह से पूरा बताएंगे कि एक पत्थर, क्योंकि पूरा ढांचा आता है जिस पीछे दिख रहा है ये, ये तो तो ब्लॉक पूरा आता है, पूरा पूरा ब्लॉक आता है, ये मशीन से खांचे लगाते हैं, फिर डिजाइन हाथ से बनाते हैं। से बनाते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये देखिए कील हैं, ये अलग अलग आकृति की कीले हैं। हम देख सकते हैं सभी की कीले ये अलग अलग डिजाइन के हैं, अलग अलग छोटे और बड़े थे, और उसी तरह के बारीकी तरीके से देखिए साफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो कह सकते हैं एक आकृति देने में, एक डिजाइन देने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद देख सकते हैं लगातार यहाँ देखेंगे आगे कई हैं लोग कार्य कर रहे हैं, वहां भी देखिए कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे तो मेहनत होती है, अलग अलग रूप में दिखाई पड़ रहे हैं सभी पत्थर एक तरह से इसमें बने हुए। तो अब इनके मुताबिक ये जो पत्थर है बना के रख दिए गए हैं, इसमें साफ सफाई की जा रही है, इसमें रगड़ाई होती है और रगड़ाई होने के बाद इनको एक नया रूप मिलता है। यहाँ भी कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, देखिए यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। अब इसको रगड़ रहे हैं तो इसे चमक आ रही है इसमें जी। गुजरात चीजें और हिंदी में बोल अच्छा आप गुजराती हैं, आप नहीं बोल पाएंगे? बाबा अच्छा ठीक है, बिल्कुल साफ। लेकिन देखा था जिसका ये चमक रहा है, वो पीछे के पत्थर आप देखेंगे तो ये देखिए इसमें चमक अलग है, तो काफी सफाई होती है। जी देखिए यहाँ पे भाई लोग हैं तो सफाई कर रहे हैं। भाई आप यहाँ काम करते हैं? तो हाँ यार, ये पत्थर बनाते हैं आप लोग, तो कितना समय लगता है बनाने में? 3 महीने लगते हैं। 3 महीने पत्थर बनाने में लगता है। तो आप क्या कर रहे हैं अभी इस समय? तो नक्काशी काम कर रहे हैं। इसको क्या ये पूरा साफ करेंगे, हाँ पूरा साफ करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे? बिल्कुल विस्तार से थोड़ा बताइए क्या होता है इस पत्थर को सफाई करने में और साफ सुथरा करने में। इसे जो रूप दिख रहा है मंदिर का, उसमें कितनी मेहनत आप लोग की लगती है? 3 महीने लगता है मेरा, तीन 3 महीने महीने लगता है। इसमें क्या क्या करते हैं? अच्छा सफाई कर देंगे पूरा, ऐसे डिजाइन बना दे पूरी बाइक में। जो इसका गंदगी दिखाई पड़ी तो पूरा साफ सुथरा करके इसके रगड़ा जाते हैं। तो बिल्कुल साथ साथ देख सकते हैं पूरी तरफ से सारे पिलर्स रखे हैं, पिलर्स वही हैं जो राम मंदिर के प्रांगण के चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। और ये कार्यशाला है जहाँ पे पूरी रूप से सारे मजदूर सब लोग यहाँ कार्य करने के बाद फिर उन पत्थरों को ले जाके वहां पे दिखाया जाता है। मेरे सामने एक पत्थर और देखिए, इस पत्थर में सबसे दिव्यता बात है, ये देखिए गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो ये पत्थर जिस पत्थर देखते हैं वहां पे आकृति अलग अलग, ये पत्थर भी देखिए इसमें गणेश जी की कितनी अच्छी प्रतिमा को दर्शाया गया है। जो ये प्रतिमा दर्शाई दी जा रही है, कोई बनाई नहीं है, इन्हीं कारीगरों ने बनाई है, काट छोटे छोटे औजारों से, छोटे छोटे हाथों से अपने बनाए हैं, छोटे बहुत बारीकियों तरीके से साथ। तो ये पत्थर की आप देखिए, ये भी सफाई नहीं है, इसको सफाई की जाती है, इसमें बहुत मेहनत की जाती है। पत्थर में गणेश जी दिख रहे हैं, हाथी दिख रहा है, तो ये जो दिव्यता भव्यता है, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं जो मूषक है, जो सवारी गणेश की वो भी है। तो बड़ी बात ये अलग अलग चीजों के साथ यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और भी हम पत्थर है जिनको देखेंगे, जैसे पत्थर देखिए, इस पत्थर में कमल का फूल दिख रहा है। इस पत्थर में जब कमल का फूल, इसको देखिए अभी गंदा है, लेकिन जब ये दीवारों में बताया जा रहा है, कारीगर बता रहे हैं, जब ये वहां पे स्थापित किया जाता है तो पहले से सफाई की जाती है, इसमें जो चीजें रह जाती है बारीकियां उनको साफ सुथरा करने के बाद फिर वहां पे स्थापित किया जाता है। तो देखा यहाँ पे जो चीजें हैं, जो पत्थर है, वो साफ तौर से यहाँ पे कारीगर लगे हुए हैं और उसकी सफाई हो रही है, उनकी रंगाई हो रही है। इस प्रकार क्लीनिंग करने के बाद जो राम मंदिर बन रहा है, जो एक नया भव्य रूप लग रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये पाए की तरह खड़े रहते हैं और भव्य मंदिर का निर्माण करने में सहयोग करते हैं। अयोध्या से खबरें अभी तक के लिए आकाश यादव।